22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग का निर्माण। मंगल के घर में बृहस्पति और राहु की युति। मायावी राहु करेगा कितना परेशान। घातक युति का खतरनाक प्रभाव। गुरु चांडाल योग के 6 महीने किन राशियों के लिए रहेंगे भारी। 6 महीनों तक किन के जीवन में मचेगी उथल पुथल। 6 महीनों तक हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी। 12 राशियों पर गुरु चांडाल योग का साया देगा कैसा प्रभाव, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन आप सभी दर्शकों को। ग्रह गोचर में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहती है 22 अप्रैल से बनने वाला ग्रह गुरु चंडाल योग। आपको बता दें कि मंगल के घर में मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति से गुरु चंडाल योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बड़ा ही एक विनाशकारी योग माना जाता है, भयावह योग है, और जिससे देखिए अशुभ ग्रहों में इसकी गिनती होती है, योग में गिनती होती है। और ऐसे में आज हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कर्क राशि कर्क लगन वाले लोगों के लिए आने वाली ये 6 महीने यानी कि अक्टूबर 30 अक्टूबर तक का ये समय गुरु चंडाल योग के कारण कैसा बीतेगा। जी हाँ, किन परेशानियों का अब आपको सामना करना पड़ सकता है, कहाँ लाभ और लाभ से ज्यादा कहाँ हानि भी पहुंचेगी आपको, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इस योग, जो ये भयावह योग बन रहा है, इसकी ग्रह स्थिति के बारे में बताइए। देखिए कविता जी, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए यह नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान से निकल करके गुरु जो बृहस्पति हैं वह गोचर करेंगे इनके दशम भाव यानी कि कार्य स्थान पर, और वहां पर पहले से विराजमान राहु के साथ युति निर्माण करेंगे। और जैसे ही यह युति बनेगी, यह जो विशेष रूप से आप देखेंगे कि राहु और गुरु का यह महाचांडाल योग का निर्माण होगा। महाचांडाल योग हम इसलिए कह रहे हैं, चांडाल शब्द से भी आगे हमने लगा दिया है कविता जी, क्योंकि यह जो संयोग बन रहा है वह मंगल के घर में बन रहा है जी। अब गुरु मंगल यह दो ग्रह ऐसे हैं जो हमारे भौतिक जीवन यानी गृहस्थ आश्रम में अतिशय जरूरी ग्रह हैं। मंगल और गुरु दोनों ही वैवाहिक जीवन के कारक हैं, दोनों ही सुख समृद्धि के कारक हैं, दोनों ही सुख संपदा के कारक हैं, पूर्णता के कारक हैं। तो मंगल के घर में बनने की वजह से यह जो विशेष रूप से महाचांडाल योग का निर्माण करता है, और यह कर्क राशि वालों के लिए भी कुछ हद तक नकारात्मक ही रहेगा, कुछ चीजों में क्षम्यता करेगा, शुभता देगा कविता जी। चलो चलिए ये जानेंगे हम आगे कि कहाँ आपको शुभता मिल सकती है इस अशुभ युति के चलते। और सबसे पहले अगर बात करें सेहत को लेकर कि गुरु तो देखिए वैसे भी स्वास्थ्य के सबसे बड़े कारक माने गए हैं, लेकिन यहाँ मायावी राहु किस तरह से अपनी मायावी शक्तियों के चलते आपको मानसिक तनाव भी पहुँचा सकता है, क्या आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अब आपके जीवन में बढ़ेंगी, ये जान लेते हैं। देखिए कविता जी और दर्शकों, आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि अभी तक गुरु इनके नवम भाव में बैठे हुए थे। नवम भाव भाग्य स्थान है, नवम भाव में गुरु बड़ा शुभ फल देता है कविता जी, और वो भी स्वग्रही होकर मीन राशि में वो बैठे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए स्वास्थ्य कारणों में इनको अतिशय लाभ दे रहे थे कि इनको छोटी मोटी दिक्कत भी होती थी तो दवा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी या डॉक्टर के पास तक जाने की जरूरत नहीं, जब तक ये सोचते थे दवा लेने की या जाने की तब तक वह चीज़ें ठीक हो जाती हैं। भाग्य प्रबल मजबूत कर रहे थे गुरुदेव, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वह निकल करके भाग्य स्थान से निकल करके दशम भाव में गुरु राहु के या चंडाल योग बन रहा, वहाँ शौर्य बुद्धि युति बनाए हुए हैं। तो ऐसे में देखने को मिलेगा कि पूरे कालखंड में यानी कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का जो समय खंड है कविता जी, इस काल में इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ पीड़ा, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव इनको देखने को मिलेगा, विशेष रूप से नर्व सिस्टम से, नसों के संबंधी, ब्लड से संबंधी इत्यादि कुछ न कुछ दिक्कत देखने को मिलेगी कविता जी। चलिए आपने बताया स्वास्थ्य को लेकर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी विद्यार्थियों के लिए आने वाला ये समय कैसा, कितना चैलेंजिंग रहेगा। देखिए दशम भाव में यह युति बन रही, चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है इनके, और साथ ही साथ शुक्र चंद्रमा जो है वह एकादश भाव में रहेंगे,
ऐसी स्थितियों में ऐसे जातकों के लिए जब गुरु राहु की चांडाल युति बन जाती है तो उनके भटकाव को बल मिल जाता है, यानी कि वहाँ पर उनके माता पिता का उनके गलत चीज़ों पर संरक्षण मिलना इस तरीके का प्रभाव दिखाता है। कि जैसे अब यहाँ पर क्या अंतर आएगा कविता जी, कि बच्चा कोई गलती करके आएगा, कोई शिकायत लेकर आता है तो माता पिता बल देकर उसको छिपा लेंगे अपनी लाज अपनी चीज़ें बचाने के लिए। ऐसी स्थितियों में गुरु राहु चांडाल योग और प्रभावी हो जाता है और ऐसे विद्यार्थियों को प्रबल भटकाव दे करके और विशेष रूप से क्योंकि गुरु राहु की चांडाल युति दशम भाव में है तो ऐसे स्थान पर गुरु ही यानी कि पथ प्रदर्शक ही गलत दिशा दिखाने लगता है, इस तरीके का प्रभाव देता है। तो जाहिर सी बात है जब गुरु ही गलत दिशा दिखाएगा तो भटकाव होगा, रुकावटें आएंगी या ऐसे स्थितियों में दिक्कत एक देखने को मिल सकती है कविता जी, जो विद्यार्थी तैयारी करने का सोच रहे हैं, जो विद्यार्थी किसी क्षेत्र का चयन करने के लिए सोच रहे हैं, उनमें भ्रम की स्थिति आ जाएगी, क्षेत्र चयन नहीं कर पाएंगे, विलंब होगा, इस तरीके का प्रभाव युति पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी कविता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात कर रहे थे आपके निजी जीवन को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कि किस प्रकार से गुरु चंडाल योग आपके जीवन में भी तनाव पैदा कर सकता है, आपके आपके स्पाउस के साथ आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, जान लेते हैं जी। कविता जी देखिए चतुर्थ भाव इनके लिए देखा जाए, चतुर्थ भाव में केतु और जो सप्तम भाव है कविता जी वह शनि का स्थान है और अष्टम भाव में शनिदेव स्वयं विराजमान है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो सुनिश्चित हो जाती है कविता जी कि वैवाहिक जीवन में इनको बल मिल जाएगा, यानी कि कुछ ऐसी अब तक उठा पटक दिक्कतें आ रही थी जिनको कोई भ्रम की स्थिति, देखे दो जगह असर करता है कविता जी, कई बार भ्रम शुभता भी देता है, तो इनके लाइफ पार्टनर के मन में कुछ ऐसा भ्रम या जो है स्थितियां पैदा कर दे कि जो इनके दोनों के बीच मानसिक दूरी चल रही थी वह पुनः फिर से भर जाए इस कालखंड में, इस छोटे से समय अंतराल में। तो यह जो राहु गुरु का चांडाल योग है इनके दशम भाव में बन रहा है वह इनके वैवाहिक जीवन में भ्रम ही सही पैदा करके इनको शुभता दे रहा है, इनके रिश्तों को एक छोटे समय के लिए मधुरता की तरफ ले जा रहा है, लेकिन यह घातक रहेगा यह आने वाले समय में। चलिए आपने इशारा शर्म मुझे लगता है समझाने की भरपूर कोशिश की है, संबंधों के मामले में इन लोगों को कितनी ईमानदारी अब दिखानी पड़ेगी आने वाले 6 महीनों में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, काम कारोबार अब इस गुरु चंडाल युति के चलते कैसा रहेगा, क्या नुकसान की संभावना है? देखिए कविता जी दशम भाव में ही यहाँ पर निर्माण हो रहा है गुरु और राहु के इस चांडाल योग का। दशम भाव कार्य स्थान है, दशम भाव को ही कर्म स्थान कहा जाता है, तो दशम भाव में जब निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है इनके लिए इनका कार्य क्षेत्र ही इनके लिए मुसीबत पैदा करेगा। गुरु राहु की युति होने की वजह से यहाँ पर भ्रम की स्थिति देगा, अगर आप व्यापार में हैं तो आपको गलत लोगों से मिलवाएगा, गलत लोगों के प्रभाव में देगा, गलत दिशा की तरफ आप व्यापार की दिशा मोड़ देंगे। उसके विपरीत अगर आप नौकरी में हैं तो आप किसी के गुमराह करने पे हो सकता है अपने वर्तमान नौकरी से आप इस्तीफा दे दें, छोड़ दें, या लोक लुभावनी चीज़ों को दर्शा करके कोई आपको भ्रम की स्थिति में डाले कि आप व्यापार कर लें, तो आपके लिए यह सबसे बड़ा सुझाव है इस गोचर का, इस महाचांडाल योग के दौरान कविता जी, कि जिस कार्य में जिस स्थान पर लगे हुए हों उसको यथा स्थिति बना कर रखें, उसको उसी स्थिति में रहने दें, बहुत ज़्यादा लोभ लालच इस बीच पैदा ना करिए, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है और भ्रम देकर के जहाँ लोभ आया वहाँ भ्रम बढ़ेगा और भ्रम बढ़ेगा तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी कविता जी। बिल्कुल, और कहते हैं कि राहु की छाया जिस किसी पर पड़ जाए वहाँ पे राजा को भी वो रंग बना दे, तो मैं जानना चाहूंगी कि आर्थिक तौर पर यह युति क्या इन्हें नुकसान पहुँचाएगी? देखिए आर्थिक रूप से यह युति इनको नुकसान पहुंचाने वाली रहेगी, उसका एक कारण है कि इनको भ्रम की स्थिति ज़्यादा मिलेगी, दिखावे में यह ज़्यादा आएंगे और राहु गुरु की युति बन रही है तो यह अपने आप में ही यानी कि अपने परिवार में ही अपने लोगों से ही यह दिखावा करेंगे जो कि एक झूठा दिखावा होगा और उसके चक्कर में उस आडंबर में आकर के यह अपनी आय से अधिक व्यय करेंगे या हो सकता है कि यह दिखावे दिखावे में ही गलत संगति का भी शिकार हों तो इनके लिए आय में क्षति होगी, आय में हानि होगी, इनको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी कविता जी।
ओवरऑल 100 बात की एक बात ये है कि इस गुरु चंडाल योग के चलते सबसे ज्यादा अशुभता का दौर इन लोगों को देखना पड़ सकता है अपने जीवन में। ऐसे में क्या कुछ उपाय है इस अशुभता को कम करने के लिए? देखिए, कर्क राशि है और यह चंद्रमा की प्रधान राशि है। चंद्रमा की तरह यह है भी, नाजुक भी है, मानसिक रूप से भी नाजुक होती है, इमोशनल होती है। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए सबसे बड़ा जो प्रयोग है, चमत्कारी प्रयोग है, वह दो तरीके से यह आजमा सकते हैं कविता जी। पहला कि इस पूरे गुरु चांडाल योग के दौरान जो है वह खीर बनाएं और पूर्णिमा के दिन या गुरुवार को खीर बना करके उसमें हो सके तो हल्का सा केसर डाल दें, जिससे कि गुरु को और बल मिल जाए। अगर केसर नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये महंगे उपाय आप बता देते हैं, तो केसर ना मिले तो आप हल्का सा हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्का सा उसमें हल्दी स्पर्श कर दें, और अगर केसर हो तो एक रेशा केसर का डाल करके चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर रख दीजिए और उसको उठा करके सुबह प्रातः काल में प्रथम आहार के रूप में लीजिए। यानी कि गुरुवार को यह प्रयोग करेंगे, शुक्रवार को आप जो प्रथम आहार लेंगे वह उसी खीर का लेंगे पहला आहार, और आपके जीवन में, आपके भौतिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में यह शुभता देगा कविता जी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे आचार्य जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।